Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello children, today we will start grammar, new lesson, lesson number 29, writing paragraphs. Page number 130 from your textbook. Writing paragraphs. A paragraph is a group of sentence written to develop one topic. Paragraph yani kya? To ke ek group of sentence hota hai, jo ek topic develop karta hai. A paragraph should have the following. ये important है कि आपको अगर paragraph start करना हो लिखना तो आपको क्या needed है उसमें. So topic sentence, body sentence and concluding sentence. Topic sentence में क्या related होना चाहिए? Tell the reader what the paragraph is about. आपको reader को बोलना है कि ये paragraph किसके बारे में है. Body sentence support and develops the idea given in topic sentence. यानी body sentence जो है उसमें क्या needed चाहिए? तो के support और develop the idea given in the topic sentence. यानी topic sentence में आपने जो दिया है paragraph किसके बारे में है उसके related होना चाहिए और उसके support में होना चाहिए. And then concluding sentence complete the idea and closes the paragraph. यानी concluding यानी end part. तो उसमें क्या होना चाहिए, पूरा जो idea आपका है वो complete होना जाना चाहिए और paragraph को close कर देना है. Now look at the paragraph below. The topic sentence in each paragraph is an italic and bold. The body sentence are not highlighted and the concluding sentence is in bold. देखो यहाँ पे जो topic sentence है वो italic और bold में है. Body sentence है वो highlight नहीं किया है और concluding sentence है वो bold में है. Amphibians are animals that live both on land and in river, in water. These animals are born with tails and gills like fish. They later grow legs to move on land. They can breathe both on land and in water. It is for this reason they are called amphibians, which means two lives. Dekho, amphibians are mammals that live both on land and in water. Ye paragraph amphibians ke bare mein hai, jo pani mein aur bahar bhi reh sakte hain. तो वो होगा हमारा टॉपिक सेंटेंस. देन दिस एनिमल्स आर बॉर्न विथ टेल्स एंड गिल्स लाइक फिश. ये जो एनिमल्स है वो बॉर्न होते हैं टेल्स के साथ और गिल्स के साथ जैसे फिश. दे लेटर ग्रो एग टू मूव ऑन लैंड. फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो मूव करते हैं लैंड में. दे कैन ब्रीथ बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. वो पानी में भी ब्रेथ कर सकते हैं और वाटर में भी. तो ये था हमारा बॉडी सेंटेंस. नाउ कंक्लूडिंग यानी हमें पैराग्राफ को क्लोज करना है. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस विच मीन टू लिव्स. यानी इसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस यानी कि टू लिव्स. वो दोनों में रह सकते हैं लैंड में भी और वाटर में भी. नोटिस बॉडी सेंटेंस डेवलप द आइडिया प्रेजेंटेड बाय द टॉपिक सेंटेंस. दे एड इन्फॉर्मेशन और गिव एग्जाम्पल. बॉडी सेंटेंस है वो डेवलप करते हैं आइडिया को और जो हमने प्रेजेंट किया है टॉपिक को उसको, और उसमें हमारे इंफॉर्मेशन और एग्जांपल्स भी हम ऐड कर सकते हैं. ए रीड द पैराग्राफ बिलो. शेड द टॉपिक सेंटेंस येलो. अंडरलाइन द बॉडी सेंटेंस एंड शेड द कंक्लूडिंग सेंटेंस रेड. आपको क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस है उसमें आपको येलो शेड करना है, बॉडी सेंटेंस है वहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है पेंसिल से, एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो आपको रेड कलर से हाईलाइट करना है. सो फर्स्ट वी विल रीड पैराग्राफ एंड देन वी विल डू. आई एम गोइंग टू इंग्लैंड ड्यूरिंग माई समर वेकेशन. द हैरी पॉटर बुक्स वेयर रिटन इन दिस कंट्री. आई प्लान टू विजिट ऑल द प्लेसेस दैट हैरी एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू. आई विल ऑल्सो सी द ब्यूटिफुल रिवर एवन. देन आई एम गोइंग टू वॉच अ फुटबॉल मैच. आई एम श्योर आई विल हैव अ लॉट ऑफ फन. देखो यहाँ पे हमें थ्री पार्ट्स करने हैं, टॉपिक सेंटेंस, बॉडी सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. सो टॉपिक सेंटेंस में होगा आई एम गोइंग टू इंग्लैंड ड्यूरिंग माई समर वेकेशन. द हैरी पॉटर बुक वर रिटन इन दिस कंट्री. मैं समर वेकेशन के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ क्योंकि जो हैरी पॉटर की बुक्स लिखी थी वो कंट्री में. ओके तो ये हमारा है टॉपिक सेंटेंस. कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ उसका मीनिंग ये है टॉपिक सेंटेंस का. नाउ बॉडी सेंटेंस. आई प्लान टू विजिट ऑल द प्लेसेस दैट हैरी एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू. आई विल ऑल्सो सी द ब्यूटिफुल रिवर एवन.
देन आई एम गोइंग टू वॉच अ फुटबॉल मैच. तो ये था हमारा बॉडी सेंटेंस. अब कंक्लूडिंग सेंटेंस हमें क्या होगा? आई एम श्योर आई विल हैव अ लॉट ऑफ फन. तो ये होगा हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस. नाउ बी रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द फर्स्ट सेंटेंस इज इन प्लेस. Organize the other sentence so that they make one interesting paragraph. An old man lived alone in the hills. The old man saw us and smiled. He invited us for cookies and showed us his book collection. My friends were scared of him. One day we decided to look inside his house through the windows. The house was full of books. We made a new friend that day. अभी ये जो पैराग्राफ है वो उसमें उलट फुलट सेंटेंस दिए हैं. आपको लाइन टू लाइन करने हैं ताकि एक पैराग्राफ बन जाए. तो लेट अस ट्राई. एन ओल्ड मैन लिव अलोन इन द हिल्स. द ओल्ड मैन सॉ अ सेंस स्माइल. देन नंबर थ्री विल बी माय फ्रेंड वर्स स्केर्ड ऑफ हिम. नंबर फोर विल बी वन डे वी डिसाइडेड टू लुक इनसाइड हिज हाउस थ्रू द विंडोज. नंबर फाइव विल बी He invited us for cookies and showed us his book collection. Number six, the house was full of books. And number seven, we made a new friend that day. So, ban gaya hamara ek paragraph. Now, see, write a paragraph on the following topic. Remember to write the topic sentence, body sentence and concluding sentence. So, it is important to reduce, reuse and recycle to save our planet. तो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा इफ़ वेस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस और रीयूज देन रिसाइकलिंग इज ग्रेट वे टू टर्न. देन बॉडी सेंटेंस होगा ग्रेट वे टू टर्न रबिश इनटू समथिंग यूजफुल अगेन. रिसाइकलिंग हेल्प्स टू एंश्योर दैट मटेरियल सच एज पेपर कार्ड ग्लास एंड मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर वर्जिन. एंड हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा मटीरियल्स एंड प्रिजर्विंग्स द प्लैनेट रिसोर्सेज. ओके नाउ यू हैव टू राइट दिस बाय योरसेल्फ. माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे इज मॉर्निंग. मैंने लिखा है द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग टाइम फील्स अ न्यू एनर्जी इन द बॉडी. इट इज़ आवर टॉपिक सेंटेंस. आफ्टर द बिजी शेड्यूल ऑफ द एंटायर डे द बॉडी एंड द माइंड गेट्स टायर्ड. The body is completely relaxed after a good sleep of night time. And our concluding part, and this allowed to start a new day with full energy. So thank you children. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.